हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब। दोस्तों, आज लाए हम आप लोगों के लिए बॉलीवुड के मोस्ट ब्यूटीफुल बॉल्ड एक्ट्रेस का जलवा, सोनाक्षी सिन्हा, क्वीन ऑफ वर्ल्ड। सोनाक्षी सिन्हा बिकनी में तो बहुत ही ब्यूटीफुल नज़र आ रही है। दोस्तों, आप इनके वीडियोस और फोटोशूट्स देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ग्लैमरस लुक लेकर आती है सोशल मीडिया पर, आते ही छा जाती है। सोनाक्षी सिन्हा जैसी खूबसूरत बॉल्ड एक्ट्रेस अभी तक बॉलीवुड में नहीं आई और ना ही आएगी। सिन्हा जी ने सभी को अपनी खूबसूरत अदा और खूबसूरती की वजह से सभी का दिल जीत लिया है। सोनाक्षी जी ने जब फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था तब ये बहुत ही लोग इन्हें पसंद करते थे। अब तो इनकी एक्टिंग और मॉडलिंग की वजह से लोग इनके दीवाने हो चुके हैं। सिन्हा जी की हर रोज़ खूबसूरत बॉल्ड लुक को लेकर लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और हमेशा इंतजार में रहते हैं कि इनकी कब ब्यूटीफुल लुक देखने को मिलेगी। सिन्हा जी की खूबसूरती हर किसी को बहुत ज़्यादा ही भा जाती है और इनकी एक्टिंग तो बहुत ही कमाल की होती है। दोस्तों, जैसे कि आप बिकनी में देख सकते हैं किस कदर पोज स्टाइल से उन्होंने फोटोशूट्स करवाए हुए हैं। अगर आप लोगों को बता दें कि इन फोटोशूट्स का इन्होंने पैसा कितना लिया है तो आप लोग सभी हैरान रह जाएंगे। हाँ जी दोस्तों, बताते जाते हैं, आपकी हैरानगी की हद खत्म हो जाए। दोस्तों, 3 करोड़ बिकनी में फोटोशूट करवाने का सिन्हा जी ने 3 करोड़ लिया है। बहुत ही महंगी, बहुत ही ब्यूटीफुल एक्ट्रेस बन चुकी है सिन्हा जी और आए दिन ही अपनी बॉल लेकर सोशल मीडिया पर आ जाती है। जैसे जैसे बूढ़ी होती जा रही है, सिन्हा जी भी और भी खूबसूरत और ग्लैमरस होती जा रही है। सिन्हा जी ने खुद को बहुत ज़्यादा ही फिट स्मार्ट रख लिया है और खुद की बहुत ज़्यादा ही केयर करती है। दोस्तों, सिन्हा जी की शादी सलमान खान के साथ होती है या कि नहीं, होनी चाहिए या नहीं, ये तो बात की बात है। लेकिन अभी तो सिन्हा जी सलमान खान के साथ काफ़ी फेमस हो चुकी है कि इनकी शादी होने वाली है। आगे चलकर देखते हैं दोस्तों कि सिन्हा जी की शादी होती है सलमान खान के साथ या कि नहीं। सलमान खान किसी से भी शादी करना पसंद नहीं करते, अगर सिन्हा जी के साथ तो ऐसा क्या उन्हें नज़र आया जो शादी करने के लिए खुश हो गए। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।